Please stand by for a special announcement. सदियों लंबी रात के खून का गाजा मलकर सूरज की पहली किरणों का हाथ पकड़कर मैं औरत माटी की गुड़िया नए ऋतुओं के नए सफर पे निकली हूं। अगली युग की दस्तक। सालों में मैंने वो सब कुछ देखा जो कि एक बच्ची को बचपन में कभी मिला नहीं होगा देखने को और वो कभी देखा नहीं होगा। मेरा नाम मलाला यूसुफ़ज़ई है और मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। मैं मिंगोरा स्वात में रहती हूँ और यहाँ मैं पैदा हुई और ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत वादी है। लेकिन 2007 में यहाँ पर दहशतगर्दी फैल गई और यहाँ पर दहशतगर्द आए, उन्होंने इस खूबसूरत वादी को एक ऐसे हालात में डाल दिया जिसमें न कोई सयाह आ सकता था, न हम आज़ादाना तौर पर स्कूल जा सकते थे। मुझे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब तालीम पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि मुझे इससे पहले अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्यों स्कूल जा रही हूँ, क्यों आ रही हूँ, क्यों मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। ब्लैक डेज थे हमारी लाइफ के, तो मैंने सोचा कि इतना कुछ हो रहा है और कोई भी हम में से आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई भी अपने हकूक़ के लिए खड़ा नहीं हो रहा। उस वक्त बोलना बहुत बड़ा काम था। मलाला फिर एक ऐसी बच्ची रह गई जो कि अपनी मर्जी से तमाम मीडिया से बोलती थी। मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं इंटरव्यू दूंगी और ये तो मेरे लिए एक मौका है कि मैं दुनिया को बताऊं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो धीरे धीरे मैंने ये इसको मामूल बना लिया, मैंने इसको एक डायरी की शक्ल दी। बीबीसी को ये डायरी लिखती थी और ये डायरी जो थी मैंने 4 महीने के लिए लिखी और मतलब इसमें जो कुछ भी था मेरे दिल में सब कुछ लिख लिया दिल खोल के। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, अमन हो और मुझे सिर्फ एक ही अवार्ड मिल जाए, वो है स्वात में अमन, कि स्वात में अमन आ जाए। और दूसरा ही कि मैं स्कूल जाऊँ, मुझे इसके अलावा कोई भी अवार्ड नहीं चाहिए था और ना ही मुझे कोई अंदाजा था कि मुझे मिलेगा। याद रखें वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने सवाब की 8वीं जमात की तालिबा मलाला यूसुफ़ज़ई को कौमी अमन अवार्ड दे दिया है। सवाब के इलाके मिंगोरा की रहायशी 13 साल मलाला यूसुफ़ज़ई को सवाब में तालिबान के दौर में जिद्दोजहद करने पर अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। मलाला यूसुफ़ज़ई अवार्ड हासिल करने वाली सबसे पहली तालिबा है। ये अवार्ड हर साल गैर मामूली सलाहियतों के हामिल नौजवान को दिया जाएगा। आज़म पाकिस्तान ने नेशनल यूथ पीस प्राइज़ का ऐलान किया तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, नॉमिनेशन से भी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि अपने मुल्क में एक ऐसे अवार्ड का ऐलान हुआ जो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो आगे भी जनरेशन के लिए जारी रखा जाएगा, एक इनिशिएटिव था। और कौमी सतह पर भी इनके नाम से एक ऐसे अवार्ड का ऐलान किया गया जो कि मलाला अमन अवार्ड के नाम से तारीख में याद रखा जाएगा। अब जब मैं सिचुएशन को देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि कितना अमन है, कितना पुरसकून माहौल है और किस तरह लड़कियाँ जो है स्कूल जा रही है। मेरा मकसद है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ, उनको इनके हकूक़ दिलाऊँ और मैंने इस मकसद के लिए एक राह चुनी है और वो है पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स ही के ज़रिए मैं इस पूरे मुल्क की खिदमत कर सकती हूँ और इस मुल्क को लीडर्स की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर लीडरशिप की, क्योंकि अगर इस मुल्क को अच्छे ऑनेस्ट और दयानतदार लीडर्स मिल जाए तो ये मुल्क यकीनन दुनिया की अजीम तरीन ममालिक में होगा और मैं इसी बात की उम्मीद रखती हूँ कि मैं ऐसी ही लीडर बन जाऊँ। Hi, I'm representing Amnesty International and I'm here to tell you about our Human Rights Week, which is going on all week.
Every day at lunch, you can sign petitions for different human rights activists and events. And Thursday, we're having our second assembly, and that's during first and second period. During first period, we're showing a video, and then during second period, there will be a panel which you can interact with. And then after school on Thursday, we're having a write-a-thon where pizza will be served. So come out for that. This has been Lucy. And Karina for BKN. Thank you for watching BKN. See you Wednesday. Please turn off your TVs after the credits. BKN, Black Knight.